गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आकाश में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन, जी हाँ, जिसे जापान के वैज्ञानिकों ने चांद से मंगल ग्रह तक का सफ़र कराया है, जी हाँ, अभी तक बुलेट ट्रेन पृथ्वी पर दौड़ने वाली सबसे तेज ट्रेन मानी जाती रही है। लेकिन आने वाले कुछ दशकों में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जापान अब अंतरिक्ष के लिए पृथ्वी से चंद्रमा और मंगल तक के लिए बुलेट ट्रेन बनाने की योजना बना रहा है। यानी अब आने वाले भविष्य में दो ग्रहों के बीच ट्रेन चलना केवल विज्ञान फंतासी फिल्मों तक ही सीमित नहीं रह जाएगा। खबरों के मुताबिक जापान ने इंसानों को मंगल और चंद्रमा तक भेजने के लिए अपनी एक योजना प्रस्तुत की है। जापान ने इसके साथ ही चंद्रमा और मंगल के लिए ऐसी आवासीय संरचना का भी प्रस्ताव दिया है, जहां पृथ्वी जैसे गुरुत्व के साथ वायुमंडल और पेड़ पौधे वाला वातावरण भी बनेगा। कैसा होगा ये तंत्र? जापान के शोधकर्ताओं ने इस अंतर्ग्रहीय परिवहन तंत्र को हेक्सोट्रैक नाम दिया है। इसकी खासियत होगी कि यह लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान कम गुरुत्व के माहौल में ही 1G का गुरुत्व कायम रखेगी। चंद्रमा पर मौजूद स्टेशन एक तरह का गेटवे सैटेलाइट का उपयोग करेंगे और उसे लूनार स्टेशन कहा जाएगा। वहीं मंगल ग्रह के ट्रेन स्टेशन को मार्स स्टेशन कहा जाएगा। इसे मंगल के ग्रह फोबोस पर स्थापित किया जाएगा। वहीं पृथ्वी के स्टेशन टेरो स्टेशन कहलाएंगे, जिसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा। इस स्पेस ट्रेन का नाम स्पेस एक्सप्रेस होगा। हर यान लोगों की गतिविधि के लिए रेडियल सेंट्रल एक्सिस का उपयोग करेगा। स्पेस एक्सप्रेस ट्रेन का स्टैंडर्ड गेज के ट्रैक पर 6 कोच के साथ आना जाना होगा। आगे और पीछे के कोच में रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे, जो उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने, धीमे करने और रोकने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। ये यान ग्रहों के बाहर चलने के अलावा उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ट्रेन की बाहर निकलने का भी काम इसी तरह से किया करेंगे। लेकिन ग्रहों के वायुमंडल के अंदर इनकी यात्रा कुछ अलग तरह से हुआ करेगा। तब इनके पंख खुल जाएंगे। यह ट्रेन चंद्रमा और मंगल पर हाई स्पीड रेलवे की तरह काम करेगी, जो बेस शहरों को जोड़ने का काम करेगी। शोधकर्ताओं का कहना है कि वे काफ़ी हटकर और मूल अवधारणा के साथ एक समाधान पेश करना चाहते हैं। फिलहाल अमेरिका और UAE मंगल पर बस्ती बसाने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। मंगल और चंद्रमा का मानव यात्रा के लिए नासा द्वारा प्रायोजित शोध कार्य व्यापक विषयों पर जारी है। चीन भी स्वतंत्र रूप में अपनी योजनाओं पर काम कर रहा है, जिनमें मंगल और चंद्रमा पर इंसान भेजने का योजना भी शामिल है। जापानी प्रस्ताव बेशक अंतरिक्ष यात्रा का दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने के वाले साबित होंगे। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।